आगे बढ़ते हैं। कहां दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, कहां सैनिटाइजर पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, छेड़खानी से तंग आकर कहां मां बेटी ने दे दी जान, और मुरादाबाद में प्रशासनिक टीम पर किसने किया पथराव। राज्यों से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। आगरा में दरोगा की हत्या से हड़कंप मच गया है। दो भाइयों के खेत का विवाद सुलझाने पहुंचे एसआई प्रशांत कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दरोगा प्रशांत कुमार यादव के गर्दन में गोली मारी। आरोपी विश्वनाथ की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में सैनिटाइजर पीने से 3 भाइयों की मौत हो गई। कोरोना को रोकने के लिए 21 मार्च यानी रविवार को भोपाल में लॉकडाउन लगा था। शराब की दुकानें भी बंद थी। शराब नहीं मिलने के कारण 3 भाइयों ने सैनिटाइजर पी लिया, जिससे 3 की मौत हो गई। यूपी के गोंडा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेलसर में एक युवक की छेड़खानी से तंग आकर मां बेटी ने अपनी जान दे दी। दोनों का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। परिजनों का आरोप है कि दमक युवक लगातार युवती के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया है। वहीं तीसरे आरोपी अजरुद्दीन, जिसने हथियार की सप्लाई की थी, उसे कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने अब 26 मार्च को दोषियों की सजा पर बहस सुनेगी। 26 अक्टूबर 2020 को बल्लभगढ़ में निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुरादाबाद में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने गई टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव से अफरा तफरी मच गई। जेसीबी मशीन को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि पाकबड़ा सेक्टर 5 में करीब 10 बीघा सरकारी भूमि है। 3 दिन पहले मुआयने के बाद पता चला कि सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है। उसी को हटाने गई टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के सतना में 3 करोड़ और 3 किलो सोने की लूट से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शिवपुरा गांव में डॉक्टर राजीव पाठक के फार्म हाउस पर डकैतों ने धावा बोलकर इस लूट को अंजाम दिया। लूट के वक्त फार्म हाउस पर सिर्फ एक चौकीदार मौजूद था। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक व्यक्ति से 12 लाख रुपए लूट लिए। स्थानीय लोगों ने लुटेरों को पकड़ने के लिए पीछा किया, लेकिन तंग गलियों की वजह से वो नाकाम रहे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस लुटेरों की धर दबोचने की कोशिश शुरू कर दी है। झारखंड के लोहरदगा में जंगल से भटककर एक हिरन शहर में घुस गया और भागने के दौरान वो हिरन एक कुएं में गिर गया। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से हिरन को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। स्वास्थ्य जांच के बाद हिरन को वापस जंगल में जाकर छोड़ दिया गया। यूपी के वाराणसी में रंगभरी एकादशी के साथ ही होली का त्यौहार शुरू हो गया। भक्तों ने बाबा काशी विश्वनाथ और मां पार्वती संग गुलाल खेलकर होली की शुरुआत की। हिंदू धर्म में मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ रंगभरी एकादशी के दिन ही मां पार्वती का हिमालय से कौना कराकर अपनी नगरी काशी पहुंचे थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।